गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी सुनो लगा कर ध्यान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी सुनो लगा कर ध्यान। पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। पूर्वक सुनने से हो जाता है। आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। बोले युधिष्ठिर सुन लो बातें ध्यान से, विजय की विनय करो व्रत करके श्री गणेश भगवान से। भक्त जनों, पांडवों को वनवास काल में बड़ा कष्ट हुआ। उस कष्ट को दूर करने के लिए और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को गणेश चतुर्थी का व्रत करने को कहा, साथ ही साथ कथा भी सुनाए। व्रत करने की विधि बतलाए, द्रौपदी को भी कथा सुनाए। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ही महान। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ही महान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। कथा है राजा हरिश्चंद्र की, प्रजा बहुत खुशहाल। भरा पड़ा था खुशियों से राजा का शासन काल। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था, जिनके शासन काल में कोई दुखी और दरिद्र नहीं था। सत्यवादी हरिश्चंद्र के राज्य में अधर्म का नामो निशान भी नहीं था। धर्म की रक्षा राजा करते, दानवीर ना किसी से डरते। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ही महान। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ही महान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो
गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। ब्राह्मण था उनके राज्य में, ऋषि शर्मा था नाम। पूजा पाठ तपस्या करता रहता सुबह शाम। एक ब्राह्मण था उनके राज्य में, ऋषि शर्मा था नाम। पूजा पाठ तपस्या करता रहता सुबह शाम। राजा के शासन काल में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ और ऋषि शर्मा कम उम्र में ही स्वर्गवासी हो गया। एक ब्राह्मण था उनके राज्य में, ऋषि शर्मा था नाम। पूजा पाठ तपस्या करता रहता सुबह शाम। उसकी सुंदर थी संतान, पत्नी भी पतिव्रता महान। आयु में ही स्वर्ग सिधारा, तन से निकले प्राण। अल्पायु में ही स्वर्ग सिधारा, तन से निकले प्राण। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। पालने हेतु ब्राह्मणी भिक्षा मांग के लाए। गणेश चतुर्थी व्रत करती थी, बड़ी ही ध्यान लगाए। पुत्र पालने हेतु ब्राह्मणी भिक्षा मांग के लाए। गणेश चतुर्थी व्रत करती थी, बड़ी ही ध्यान लगाए। भक्त जनों, पति का स्वर्गवास होने के बाद उसकी बुढ़िया पत्नी भीख मांग कर लाती और लड्डू बनाकर गणेश भगवान को भोग लगाकर चतुर्थी व्रत करती। पूजा करते समय हमेशा पुत्र को सुखी रखने का वरदान गणेश भगवान से मांगती। बच्चा खेलने बाहर आया। गणेश की मूर्ति गले लगाया, बच्चा खेलने बाहर आया। एक कुम्हार बच्चे को पकड़ के आवा में दिया डाल। एक कुम्हार बच्चे को पकड़ के आवा में दिया डाल। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। रो रो करे विलाप। बुढ़िया बोली, बच्चे की प्रभु रक्षा करना आप। बच्चे को ना पाए बुढ़िया, रो रो करे विलाप। बुढ़िया बोली, बच्चे की प्रभु रक्षा करना आप। प्यारे भक्त जनों, एक दिन बुढ़िया का 5 वर्ष का अबोध बालक गले में श्री गणेश भगवान की मूर्ति डालकर खेलने आया। उसी समय एक कुम्हार
बच्चे को बलि देने की इच्छा से उसे पकड़कर आमा में डाल दिया। बच्चे को ना पाए गुड़िया रो रो करे विलाप। गुड़िया बोली बच्चे की प्रभु रक्षा करना। जब कुम्हार ने आवा हटाया खेलते हुए बच्चे को पाया। के मारे लगा कापने देख विधि का विधान। भय के मारे वो लगा कापने देख विधि का विधान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी। आपकी जय हो गणपति जी। सभा में राजा को सारी घटना बतलाया। डर के मारे वो कुमार राजा के पास में आया। भरी सभा में राजा को सारी घटना बतलाया। जब कुम्हार आवा हटाने लगता है तो देखता है कि आवा के अंदर बच्चा घुटने भर पानी में कमल के फूल के साथ खेल रहा है। ये सब देखकर कुम्हार डर जाता है और राजा के पास जाकर सारी घटना सुनाता है। राजा स्वयं जाकर देखे तो कुम्हार की बात सही निकलती है। डर के मारे वो कुम्हार राजा के पास में आया। भरी सभा में राजा को सारी घटना बतलाया। राजा मंत्रियों के संग आए देख के बच्चे को घबराए। बताई बात तो राजा बहुत किए सम्मान। बुढ़िया बताई बात तो राजा बहुत किए सम्मान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी। आपकी जय हो गणपति जी। वापस मिल जाए सुनो लगा कर ध्यान। मनोकामना पूरी हो ये व्रत है बड़ा महान। भक्त जनों, राजा बुढ़िया को अपने पास बुलाते हैं और बुढ़िया आती है सारी घटना बताते हुए कहती है कि ये सब गणेश चतुर्थी के व्रत का फल है जिसकी कृपा से मेरा पुत्र सुरक्षित है। ये सभी चमत्कार सुनने के बाद राजा अपनी प्रजा में घोषणा करते हैं कि आज से सभी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करेंगे। भक्त जनों, गणेश चतुर्थी का व्रत करने से भक्तों का धन ऐश्वर्य और वैभव वापस मिल जाता है और लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गणेश कृपा बरसाते व्रत करने से खुश हो जाते। गणेश चतुर्थी व्रत करेंगे राजा किए ऐलान। गणेश चतुर्थी व्रत करेंगे राजा किए ऐलान।
आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। मंगल करता गणनायक का, मंगल करता गणनायक का ध्यान लगाते हैं। मंगल करता गणनायक का ध्यान लगाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। देवों में सबसे पहले जो पूजे जाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। एक दंत शशि भाल विनायक, जय गणनायक जय सुखदायक। कर कुठार शुचि सुभग त्रिशूलम, मुदक भोग सुगंधित फूलम। रिद्धि सिद्धि प्रिय पत्नी कार्तिक भाई कहते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। भादो मास तिथि चतुर्थी आई, जन्म गणेश जी बजे बधाई। गणेश चतुर्थी का व्रत जो करते, श्री गणेश जी संकट हरते। जो करे पावन व्रत गणेश कृपा बरसाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण रहे कथा सुनाए, सुने युधिष्ठिर ध्यान लगाए। नल राजा सुंदर बलवान, राजाओं में सबसे महान। करते प्यार दमयंती से श्री कृष्ण बताते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। दमयंती भी करे नल से प्यार, परम सुंदरी उच्च विचार।
स्वयंवर का शुभ दिन आया, देवों ने नल का रूप बनाया, दमयंती के नैन नल को पहचान ही जाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। दमयंती माला पहनाई, नल राजा संग ब्याह रचाई, आई विपदा नल पे भारी, जुए में हारे संपत्ति सारी, बाकी जो कुछ बचा वो डाकू लूट ले जाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। नल दमयंती जंगल आए, बच्चों को भी संग मिलाए, सोने के पंछी उड़े आकाश, नल आए पंछी के पास, सोचा इन्हें पकड़ के बाजार में बेच के आते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। पंछी फंसाने का करके विचार, फेंके पंछी पे वस्त्र उतार, पंछी वस्त्र ले उड़ा आकाश, बचाना कुछ राजा के पास, एक ही साड़ी ओढ़ पति पत्नी सो जाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की सुंदर कथा सुनाते हैं। बात ये राजा के मन में आई, दमयंती दुख बहुत उठाई, मुझको यदि नहीं पाएगी पिता के पास चली जाएगी, संग छोड़ तो सुख से रहेगी बिचारे आते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की सुंदर कथा सुनाते हैं। आधी रात छाई अंधियारी, नींद में सो गई दुनिया सारी,
जंगल में पत्नी को छोड़, राजा चले शहर की ओर। राजा नल जा कर के शहर में नौकरी पाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। जंगल घना अकेली नारी, अति पति व्रत पति की प्यारी, सुबह जगी नहीं पति को पाई, कहाँ हो पति देव चिल्लाई, खोज के हारी दमयंती नल मिल नहीं पाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। जंगल में एक अजगर आया, दमयंती को मुँह में दबाया, भीषण गर्ज न बाघ लगाया, आकर दमयंती को छुड़ाया। दमयंती को देख बाघ मोहित हो जाता है, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। बाघ आया दमयंती के पास, दमयंती ने उसे दे दिया श्राप, सती ने बाघ को दिया जलाए, गई पिता के पास में आए। दमयंती को देख पिता हर्षित हो जाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। दमयंती सब हाल सुनाई, दुख की बात पिता को बताई, ऋषि शरभंग को पिता बुलाए, उनको सारी बात बताए। गणेश चतुर्थी व्रत करने को शरभंग बताते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। दमयंती को पास बुलाए, शरभंग व्रत विधि बताए,
संकष्टि चतुर्थी से करो शुरुआत, बनेगी तेरी बिगड़ी बात। विधि पूर्वक व्रत कर दमयंती, वेद बताते हैं सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। सातवीं गणेश चतुर्थी आई, अपना पति दमयंती पाए, गणपति जब कृपा बरसाए, खोया धन दमयंती पाए। चमत्कार देख गणपति का सब खुश हो जाते हैं, सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। कृष्ण ये सारी कथा बताए, विधि युधिष्ठिर को समझाए, द्रौपदी से व्रत शुरू कराए, खोया राज तब पांडव पाए। कहे संजय गणपति जी सबके काम बनाते हैं, गणपति बाप्पा के चरणों में हम सब शीश झुकाते हैं। हम आज तुम्हें श्री गणनायक की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री गौरी पुत्र गणेश के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। परशुराम जी शिव दर्शन की किए थे तैयारी, गंगा जल को हाथ में लेके चले थे अवतारी। श्रद्धा से शिव पूजन को वो जा पहुँचे कैलाश, शिव दर्शन ना होने पाया पहुँच न पाए पास। परशुराम से बोले गजानन वहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं जा सकते अपना परिचय बतलाओ। लीन समाधि में शिव जी है वापस तुम जाओ, शंकर जी की समाधि को ना भंग तुम करवाओ। परशुराम सुनकर बातें गुस्से में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। परशुराम जी चेहरा हो गया लाल, गुस्से में बोले गणेश तुम हट जाओ तत्काल।
उठा जो परसा मेरा तो ये बनेगा तेरा काल। करना बातें बड़ी बड़ी तू वाणी को संभाल। शिव आराध्य है मेरे मुझको रोक न पाओगे, अगर राह रोके जो मेरी मारे जाओगे। मानो मेरी बात नहीं तो तुम पछताओगे, मेरे बार से बालक तुम बच नहीं पाओगे। तब चेतावनी गणेश को परशुराम सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पड़ा कैसे सबको आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, को देख परशुराम करने लगे विचार। इस बालक के साथ में आखिर कैसा करूं व्यवहार। हठी है पर बालक है वो कुछ समझ न पाते हैं, वार करने से पहले मन ही मन सकुचाते हैं। परशुराम की शक्ति से गणनायक थे अनजान, कौन है परशुराम नहीं थी उनको ये पहचान। बोले गणेश की त्रिपुरारी का मैं हूँ पहरेदार, मुझसे लड़कर हे सन्यासी पाएगा ना पार। शिव भक्तों पे कभी नहीं हम शस्त्र चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पड़ा कैसे सबको आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, परशुराम के गुस्से का तब वेग हुआ प्रचंड। बोले हठी बालक सुन ले अब दूंगा तुझको दंड। उलझ गए वो श्री गणेश से युद्ध हुआ भारी, परशुराम से लड़ बैठे मुद मंगल में कारी। युद्ध हुआ अति भीषण तब मच गया हाहाकार, होनी तो हो के रहती कोई सकता नहीं हटार। दोनों वीर योद्धा ना माने एक दूजे से हार, युद्ध में टूटा दांत गणेश का करने लगे चित्कार। गिरिजा सुत रक्षा हेतु गिरिजा को बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पड़ा कैसे सबको आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जय जय गणपति महाराज, मेरे पूर्ण करो सब काज। जय जय गणपति महाराज, मेरे पूर्ण करो सब काज। रक्षा करो हे माँ मेरी, रहे श्री गणेश चिल्लाए। सुनी पुकार गणेश की माता गई क्रोध में आए। धरती कांपी अंबर कांपा कांपने लगा पताल, क्रोध के मारे पार्वती की आंखें हो गई लाल। परसाधारी परशुराम जी भय से गए थर्राए, क्रोधित माँ को कैसे मनाऊं कुछ भी समझ ना। परशुराम ने चरणों पे गिर के माँ को किया प्रणाम, चूक क्षमा कर दो हे माँ बोले हैं परशुराम। अश्रुपूर्ण आँखों से विनय कर माँ को मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पड़ा कैसे सबको आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, शांत हुआ पार्वती का, पार्वती घबराई। हाथ जोड़ के परशुराम ने सारी बात बताई, बोले गलती हुई है माते क्षमा का दीजो दान, प्रिय बहुत है मुझको भी तो आपकी ये संतान।
मैं ना जाना प्यारे पुत्र है आपके श्री गणेश, वरना मेरे मन में ना था कोई राग और द्वेष। फिर भी गलती हुई है मुझको करता हूँ स्वीकार, करो माफ हे पार्वती माया आपके द्वार। परशुराम जी गलती पर बहुत पछताते हैं, अश्रु धार बहाते हैं, एक दंत नाम पड़ा कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणेश चतुर्थी क्यों है मनाते, आओ तुम्हें हम आज बताते, कथा को सुनना लगा के ध्यान। प्यारे गणेश की महिमा गाए, हाथ जोड़ कर इनको मनाए, त्रुटि हो तो कर देना मान। संकट हरता मंगल करता, भक्तों की झोली को भरता, सबसे पहले होता पूजन भक्तों की हर उलझन। इनके बिना सब काम अधूरे, इनसे काम सभी हो पूरे, शिव गौरा के लाल है प्यारे, प्रचलित इनकी कई कथाएं, उनमें से कुछ तुमको बताएं, जो भी ध्यान लगा कर सुनता पार्वती माँ एक बार जब स्नान करन को जाती है, तब अपनी मैल से पार्वती माँ उस पुतले में डाले प्राण, गणेश उसका रख दिया नाम। ध्यान से सुन लो प्यारे गणेश, मान दिया उसको आदेश। मुद्गल होकर द्वार पे बैठो, इसका थोड़ा ध्यान रखो तुम, माता तेरी स्नान को जाए, द्वार पे ध्यान से बैठे गणेशा, तनिक देरी में आए महेशा, भीतर भोले जाने लगे तब अंदर माँ स्नान है करती, मेरी आपसे इतनी विनती, पहले माँ से आज्ञा लूंगा, श्री गणेश की सुन बातें। शिव को आया क्रोध, अपने महल के भीतर ही जाने से रहा रो। शिव ने उसको था समझाया, अपना परिचय भी बतलाया, कोई बात ना मानी उसने, त्रिशूल उस पर शिव ने चलाया, तन को सिर से अलग हटाया, सुन के गणेश की करुण पुकार, पुत्र गणेश को मूर्छित पाया, माँ की समझ में कुछ नहीं आया, पार्वती ने शिव से बोला, है मेरा पुत्र निराला, तुमने जिसको मार है डाला, पुत्र मोह में दुखी थी माता, सोच में पड़ गई भोली यहाँ, अन्न और जल को माने त्यागा, मन में पुत्र प्रेम अति जागा, माता बोली शंकर जी को, शिव से माँ हो गई नाराज, चिंतित हो गए भोलेनाथ, दूर करी माँ की नाराजगी, भोले उपाय खोजे जल्दी,
हाथी का मस्तक ला करके उसको लगाया गणेश के तन पे, गणेश को दिया जीवन दान। सब देवों ने मिलकर तब ही अपनी अपनी देकर शक्ति श्री गणेश को महान बनाया। दिन में ये घटना घटी थी भाद्रपद माँ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का वो दिन था प्यारा, इस दिन उत्सव सभी मनाते नाचते गाते इन्हें रिझाते जो भी करता इनका ध्यान। गणेश चतुर्थी के व्रत को करते जो भी जन उनकी सभी मनोकामना होती है पूर्ण। एक पौराणिक और कथा है भक्तों क्या तुम्हें उसका पता है, आओ कथा वो तुम्हें बताएं। श्री गणेश को सभी मनाए। एक ऋषि थे वेद व्यास जी भारत माँ की कथा लिखी थी कथा को लिपिबद्ध करने को। ऋषि ने बोला श्री गणेश से जैसे जैसे बोलूं मैं तुमसे वैसे वैसे इसको लिखना, गणेश जी लिखने लगे तब कथा ऋषि वर कहने लगे, जब कथा निरंतर कहते ऋषि जी जिस दिन कथा ये कहने लागे कथा गणेश जी लिखने लागे गणेश चतुर्थी का वो दिन था। आँखें मूंद के कहते रहे ऋषि श्रद्धा भाव से लिखे गणेश जी, 10 दिन तक ये कार्य चला था ऋषि को कुछ ना पता चला था। ऋषि ने जब आँखें थी खोली मुख से ना निकली उनकी बोली, देख गणेश को हुए हैरान। श्री गणेश जी रहे थे कांप उनके तन का बढ़ा था ताप, ऋषि ने फौरन खोजा उपाय। ऋषि ने जब ये किया था ऐसा गणेश चतुर्दशी का वो दिन था, इसीलिए सारे ही भक्तजन गणेश चतुर्थी को जन सारे गणेश मूर्ति को घर में बिठाते श्रद्धा भाव से उन्हें रिझाते, विघ्न हरण मंगलकारी गणपति जी महाराज अपने भक्तों के सभी पूर्ण करते काज। 10 दिन तक उत्सव ये चलता हर कोई आनंद में रहता, अद्भुत इनका होता श्रृंगार। मंगल आरती सब ही गाते नाच नाच गणपति मनाते, लड्डू का सब भोग लगाते अनंत चतुर्दशी के दिन सारे, भजन बजा कर प्यारे प्यारे तरह तरह की बाटे मिठाई। गणपति बप्पा हर कोई बोले इनकी मस्ती में सब डोले, अगले साल दोबारा आना कोई सागर कोई नदी में कोई जलाशय कोई झील में मूर्ति का करता है विसर्जन। उलझन सबकी काटने वाले सभी सुखों को बांटने वाले शिव गौरा के लाल निराले,
जिस पर इनकी रहती कृपा, काम कभी नहीं उसका रुकता। सबका काम बनाने वाले, सबके संकट टालने वाले, हे गणपति हे देव गजानन, जीवन में कर देना आनंद। हम भी बैठे शरण तिहारी, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, दीनहीन के भाग्य विधाता। भाग्य हमारे भी चमका दो, किस्मत देवा जगा दो। तुम सम नहीं कोई है दूजा, शाम सवेरे करते पूजा। सिर पे हमारे रख दो हाथ, सब देवों में आपका ऊंचा है स्थान। शरण तिहारी आए हैं, कर देना कल्याण।